साइंटिस्ट मरी हुई मकड़ियों को जिंदा कर रहे हैं, टोने टोटके की बात नहीं कर रहा हूँ, असली में, वो भी ऐसे इंजेक्शन की मदद से। सुनने में जितना अजीब लग रहा है, एक्चुअल में उससे भी ज्यादा अजीब है। एकदम इजी में बताऊं तो मकड़ियों के अंदर हड्डियां नहीं होती, तो इसलिए उनके मसल्स हाइड्रोलिक प्रेशर सिस्टम से चलते हैं, और साइंटिस्ट के अंदर बहुत सारी हड्डियां होती है, इसलिए वो ऐसे उठपटांग काम करते रहते हैं। तो जब उनको ये हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में पता चला, वो मकड़ी से रोबोट बनाने बैठ गए, एंड गेस व्हाट, कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हो गए। सिर्फ ऐसे इंजेक्शंस की मदद से मकड़ी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करवा पा रहे हैं। मतलब इन्होंने एक डेड मकड़ी को एक ग्रिपर में कन्वर्ट कर दिया। पर अभी तो बस स्टार्ट है, इन्होंने एक नई फील्ड ही बना ली है नेक्रोबोटिक्स करके, जिसमें ये डेड ऑर्गेनिज्म से रोबोट्स बनाएंगे। साइंस थोड़ा ज्यादा आगे नहीं बढ़ गया है? तुमको क्या लगता है, कमेंट करके बताओ।